एक घंटा पहले हमको सूचना मिली कि इस गांव में कुछ बिहार के लेबर लोग हैं जो इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट शालीमार गोल्डन के नाम से शायद है। तो इनके मालिक ने इन मजदूरों को, जिनके खून पसीने से इनका बिल्डिंग तैयार हो रही है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। 40-50 परिवार यहाँ पर भूखे थे, तो अभी जानकारी मिली हमारे साथियों के द्वारा, तो फिर तत्काल कुछ नहीं बन सका, बस थोड़ा सा उनके लिए लंच की व्यवस्था करके और अभी लेके आए हैं, उनको दे के आए हैं। हम देख रहे हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, तो कौन कौन लोग आपके साथ आए और यहाँ पे आपने खाना वाना क्या वितरित किया? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये निर्देश है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि इस कोरोना की आपदा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलुअर की वजह से कई लाखों लोग दरबदर हैं, भूखे प्यासे भटक रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, और 24 के लगभग भूख से रास्ते में लोगों की डेथ हो गई है। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ये निर्देश किया है हम लोगों को कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना की आपदा में कोई गरीब परेशान ना होने पाए और कोई गरीब भूखा ना सोने पाए। इस स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए, इस स्लोगन को जमीन पर उतारने के लिए हम ही नहीं, हमारी पार्टी के पूरे प्रदेश में सभी बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, जहां जहां उनको खबर मिलती है अपने अड़ोस पड़ोस में या दूर में, तो वो उनकी हर तरीके से खाने की और भी व्यवस्थाएं करते हैं। इसी व्यवस्था में हम भी यहाँ आए थे, हमारे साथ में हमारी पत्नी हैं श्रीमती मुन्नी अम्बेडकर जी, ये कन्नौज की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, ये भी साथ में हैं, इन्होंने आज तो खुद ही अपने हाथ से बनाया है। ये हमारी बेटी है डॉक्टर रुचि, ये भी साथ में आई हैं कि हम भी चलेंगे साथ में, हमारा बेटा अशोक अम्बेडकर है। तो और भी पार्टी के सब लोग लगे हुए हैं जिसको जहाँ जानकारी मिलती है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी, जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक आपदा का दौर है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मानवता के आधार पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के पालनार्थ रात दिन हम लोग इस असहाय लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे इस महामारी को देखते हुए? देखिए, प्रशासन का रवैया बहुत ही उपेक्षापूर्ण है, और जहाँ तक देखा जाए इस देश में जो वीकर सेक्शन है, जिसको दलित समाज के नाम से जाना जाता है, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता है, यही ज्यादा गरीब हैं, यही बेघरवार वाले हैं, बिहार से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं अपना घर द्वार छोड़कर। तो प्रशासन को ये चाहिए था कि चिन्हित करके ग्राम प्रधान के माध्यम से, शहर में वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से ये जानकारी करा के, और इन लोगों को सैनिटाइज करना चाहिए था, यहाँ पर इनको ग्लव्स देते, इनको मास्क का वितरण कराते और इनको एप्रिन की व्यवस्था कराते। लेकिन जहाँ भी देखो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं पर भी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं जुटाई है, हर जगह उनकी उदासीनता और उपेक्षा ही नजर आती है, जबकि भारत के और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों ने, और जहां तक मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी एक पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में हर एमएलए और एमपी ने 50 लाख 1 करोड़ 25 लाख 10 लाख करके सबसे ज्यादा पैसा दान किया है, और भी लोग दान कर रहे हैं, इतना पैसा आ चुका है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ नहीं कर रही है। असहाय गरीब, असहाय लोग मरने को मजबूर हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है, टीवी और अखबार में सुनने को मिल जाता है। बाकी जब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार प्रदेश और देश में है, उस देश का एक मिनिस्टर वो 10 पैकेट बांटता है, उसको 10 लोग गरीब असहाय नजर आते हैं। हमारी पार्टी के लोग तो करोड़ों की संख्या में इस काम में लगे हुए हैं, तो प्रशासन का रवैया बहुत सख्त है। हमारी प्रशासन से मांग है कि वो जगह जगह ग्राम स्तर पर, शहर स्तर पर, जहां जहां सहाय लोग मिले, उनको हर उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें, उनको आइसोलेशन की व्यवस्था करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। ये मेरी प्रशासन से अपील है।